बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रमजान की बरकतें रहमतें नाजिल हो रही हैं और मैं हूं माया खान और मैं हूं शाज़ेब अहमद। आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त सबसे पाकिस्तान पर टू न्यूज पर। और जैसे जैसे रमजान के दिन बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है ये मेहमान अब चंद दिन ही हमारे साथ होगा। 15 के बाद ऐसा लगता है शाज़ेब जैसे कि रमजान ना खत्म होने वाला है, उसकी एक वो चीज शुरू हो जाती है। लेकिन साथ में बहुत सारी चीजें जो जिनकी शुरुआत हो चुकी है, पहले पेशावर, फिर उसके बाद कराची और अब जो है लाहौर की तरफ बढ़ते हुए जो लम्हात हैं वो आज पंडाल सजाएंगे तहरीक इंसाफ की तरफ से। आपको बड़ा पसंद है ये लफ्ज पंडाल, पंडाल सजाया बताएंगे दोनों क्या इसे जान के क्यों बोला है शाज़ेब। तो लाहौर में पंडाल सजने जा रहा है तहरीक इंसाफ का, जलसे की तैयारियां वहां पर जारी हैं और साथ में हम देख रहे हैं कारकुनों का जो जोश है वो भी उरूज पर है जैसे कि हमेशा होता है पीटीआई कारकुनान का। साथ में लाहौर इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात के बायस वहां पर इमरान खान को जलसागाह ना जाने की जो मशवरा है वो मशवरा दिया है। लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका ये मौकिफ है कि इमरान खान जलसागाह जरूर जाएंगे और कारकुनों से खिताब जरूर करेंगे। लेकिन इंतजामिया ने यह भी कहा कि आप वीडियो लिंक पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा जा सकते हैं लेकिन आपकी ऑब्वियसली खतरा है, एक चीज है जो लटक रही है, वर्चुअली जा सकते हैं, वर्चुअली जा सकते हैं। तो वही वाली बात है, इमरान खान हर सूरत में पाकिस्तान जलसागाह जाएंगे और कौम से खिताब करेंगे, ये उनकी उनकी पार्टी ने कहा। इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ ने NRO2 ले लिया तो मुल्क तबाह हो जाएगा, उसके खिलाफ कौम को बाहर निकालूंगा। वो ट्विटर जो है स्पेस पर खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि फॉरन फंडिंग केस में PTI के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। बिल्कुल, कल ट्विटर स्पेस से बड़ी रौनक लगी थी और हम देख रहे थे इमरान खान साहब वहां पर खिताब कर रहे थे, बहुत सारे लोग सुन रहे थे और अच्छा में आया कि ऐसे कुछ रिकॉर्ड भी कायम हो गए हैं कि सबसे ज्यादा लोग वहां पर लिसनर्स थे। खैर, फॉरेन फंडिंग केस में PTI के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, ये उन्होंने अपने खिताब में कहा जैसे कि मैं आपको बता रही है। साथ में सोशल मीडिया के जरिए आज आवाम की आवाज कोई बंद नहीं कर सकता और ये बात बिल्कुल सही है, जब से सोशल मीडिया आया है तो अब कुछ भी रोकना पॉसिबल नहीं है, हर किस्म की खबर बाहर आ जाती है। बट शाज़ेब, बिटवीन यू एंड मी, ये चीज अच्छी भी उतनी है जितनी खतरनाक, क्योंकि उसमें झूठ भी और फेक खबरें काफी है, कंट्रोल भी नहीं है ना, कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है ना, जिसकी मर्जी जो आए वो लिख दे, जिसकी मर्जी जो आए किसी पे तोहमत लगा दे, जिसकी मर्जी जो आए वो किसी की इज्जत के धज्जियां उड़ा दे। और अगर इंसान कोई भी उसके मुकाबले में काउंटर स्ट्राइक नहीं कर सकता, वो स्ट्रेंथ नहीं रख सकता या नहीं है उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम, ही और शी, और एक दफा इल्जाम तो लगा दिया जाता है ना, उसके बाद वो बेचारा जितना मर्जी उसको जस्टिफाई कर ले, जबान से निकला हुआ अल्फाज और वो कमान से तीर नहीं, अब तो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी निकाली तो गई। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की, हमने अपनी फौज को मजबूत करना है, फौज इस मुल्क के लिए इमरान खान से ज्यादा जरूरी है। तो ये तो उन्होंने अपने जो खिताब है उसमें सब बातें की। साथ में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ने अमरीका कांग्रेस एलान उमर की मुलाकात हुई जिसमें दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और सरमायाकारी की शोबों में तआवुन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। लेकिन इसके अलावा उनकी मुलाकात किसी और से हुई और वो है सबक वजीर आजम इमरान खान साहब, उनसे मुलाकात हुई इलान उमर साहिबा की। और शीरी मजारी के मुताबिक इलान उमर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान के इकदाम के मौकफ की, खासतौर पर मौकफ की भी और इकदाम की भी तारीफ भी की है। साथ में आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट की भी खबर देते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सबक वजीर आजम इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसील आम करने का हुक्म दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मालूमात फराहम करने की हिदायत देते हुए कहा कि मालूमात पब्लिक करने पर हुक्म क्या है, हम तरह नहीं है और नो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मालूमात फराहम करे, ये बात उन्होंने साथ साथ उस हुक्म में कहा। वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल ने एक उम्मीद जाहिर की है और वो रुपया मजीद नहीं गिरेगा, मतलब प्लीज एक सेकंड, मजीद ना गिरे, बिल्कुल ना गिरे, और महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे। मुफ्ती इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जाते जाते दोस्तों को एमनेस्टी दे दी, हम लोगों पर कम से कम बोझ डालेंगे, हम भी यही चाहते हैं कि लोगों पर कम कम बोझ डाला जाए, महंगाई को कम किया जाए, अवाम दोस्त कुछ बजट लाया जाए, और वो भी यही कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए, अवाम दोस्त तरक्की दोस्त बजट देंगे। बिकॉज़ हम लोगों पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश करेंगे, ऐसे शाज़ेब ने कहा कि शाज़ेब ने इतना अच्छा किया तो गिरने नहीं देंगे, हमें ग्रुप बिल्कुल नहीं संभाल के ऊपर की तरफ लेके आना है और हम चाहते हैं कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए, आगे चलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 9 मुंतखब हुकूमत ने साबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 4 साल माशी कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। जनाब, कौमी तरक्की की शरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में 6.1% थी जबकि ये PTI हुकूमत में 4% पर आ गई थी। बिल्कुल, और साथ में अगर हम बात करें महंगाई की तो मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई
3.9% थी, जबकि पीटीआई के दौर में 10.8% की होशुबा सतह पर पहुंच गई थी। और ये तो खैर हमने भी देखा, महंगाई वाकई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उसमें बहुत सारे अवामिल शामिल थे, कोविड भी था, खैर परफॉर्मेंस ही मैटर करती है जाहिर बात है, लेकिन ये कि हमें ये पता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी। मुझे तो खान साहब से बस एक ही शिकायत थी, ऑब्वियसली कितना बड़ा वोट बैंक उनको कराची से था, तो कराची के हवाले से बहुत शिकायत है, लेकिन शिकायतें हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ का कहना है कि मुल्क को महंगाई बेरोजगारी समेत कई चैलेंजेस दरपेश हैं और ये नजर भी आ रहा है, ऑब्वियसली आसान नहीं होता एकदम से शाज़िब कोई भी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो और इस तरह के हालात में हो जिसमें हमारे साथ हुआ, पाकिस्तान ने देखा, मैं कहूंगी पाकिस्तान की सरजमीन ने देखा, तो वो कभी होने में और बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं, तनकीद का बहुत ज्यादा बड़ा जो है वो आंसर सामने आ रहा है। तनकीद का सामना भी है इस वक्त गवर्नमेंट को, और साथ में जो इमरान खान साहब बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं इसका भी बड़ा प्रेशर होता है ना, अगर ऑपोजिशन इस किस्म के जलसे कर रहे हो और आपके इलेक्शन भी करीब आते जा रहे हो, तो फिर जाहरी बात है हुकूमत अभी कायम हुई है और साथ में अभी अभी कैबिनेट तश्कील दी गई है, साथ में उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी है कि उन्होंने मुल्क की मईशत को संभालना भी है, महंगाई को कंट्रोल भी करना है और बहुत सारे इकदाम उठाने। तो शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को महंगाई बेरोजगारी समेत कई चैलेंजेस से उन्होंने कहा कि दरपेश है और साथ में इससे निमटा जाएगा, और निमटने के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास भी हुआ है और साथ में काबीना को मुल्क की मुआशी सूरतेहाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि हम गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ट्विटर स्पेस पर छाए रहे, वहां उन्होंने खिताब किया, बहुत सारी बातें की, सियासी बातें भी की, बहुत से लोग उनको सुनते भी रहे और पीटीआई का जलसा भी आज होने जा रहा है लाहौर में। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहब ने एक और चीज ब्रीफिंग में बताया कि अप्रैल और मई में डीजल और पेट्रोल में सब्सिडी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए दी गई, पेट्रोलियम मसनूआत में सब्सिडी से कौमी खजाने को 67 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जो कि वाकई में कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर हम आज की बात करें जो कि बढ़ते हुए लम्हात हैं उनकी जलसा का, जो जलसा होने वाला है उनका लाहौर में, तो क्योंकि आज तरीके इंसाफ के हवाले से बहुत सारी सवालात भी बनते हैं, रहनुमा आलिया हमें साहिबा ने हमें आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी आपने वक्त निकाला सबसे पाकिस्तान में शाज़ी बरमाई की तरफ से सलाम। पहला सवाल, पहले कराची फिर पेशावर में आप लोगों ने शानदार पावर शो किया और अब बारी है लाहौर में जलसे की, क्या इंतजाम हैं, कहां तक पहुंचे, जाहिर सिचुएशन उनको बहुत वार्न भी किया जा रहा है इमरान खान साहब को, जी प्लीज बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगी कि जब जंग लाजिम होना तो लश्कर नहीं देखा करते, लेकिन हमारे लश्कर जो है ना इस वक्त हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी माएँ बहनें, हमारी यूथ, हमारे ये जो बुज़ुर्ग हैं वो सब हैं, और जो जज्बा हमने कल रात को देखा है मीनार पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह से जोक दर जोक लोग आ रहे थे, एक चांद रात का सा समा था और सिर्फ लोग बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे आज के दिन की, आज के जलसे की, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, पूरा लाहौर निकलेगा, तो जब लाहौर निकलता है तो पूरा पाकिस्तान निकलता है। लेकिन आज साहब आप जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के वजारत उज़्मा से जाते ही कुछ केसेस खुल के सामने आ गए हैं, और चाहे तोशाखाना केस हो या फॉरेन फंडिंग केस हो, आप समझती हैं इन केसेस का कुछ नुकसान पहुंचेगा, इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं और कुछ मुश्किलात पैदा हो जाएंगी इन केसेस की वजह से पीटीआई के लिए? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, चोर थे ना इसलिए सबसे पहली नजर इनकी तोशाखाना पर ही पड़ी, और इतनी सी बात है कि एक बंदा जो शोहरत की बुलंदियों को छू रहा हो, एक बंदा जो अपना बैट नीलाम करने के लिए रखे तो अरबों में उसकी कीमत लगे, एक बंदा जो जहां खड़ा होता है लोग वहीं पर, या जिसे कहें कि वो एक आवाज़ लगाता है और लोग उसके नाम के ऊपर लबैक करते हैं, कभी शौकत खानम के लिए, कभी नमल यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग करते हैं, ये उस बंदे के ऊपर 2 करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहे, कुछ तो सोचते। और दूसरा फॉरेन फंडिंग, हम तो कह रहे हैं सबके फॉरेन फंडिंग खोलो, पीटीआई तो वाहिद जमात है कि जिसकी नीट एंड क्लीन फॉरेन फंडिंग है, और हमारा तो स्टेट बैंक की तरफ से पूरा ऑडिट हो चुका है, क्या ये जवाब देंगे कि उसामा बिन लादेन ने इनको क्यों फंड किया था बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए? क्या पीपल्स पार्टी ये जवाब देगी कि एक इनकी पार्लियामेंटेरियन से दूसरी पीपल्स पार्टी के अंदर जो चेयरमैन जिसके आसिफ अली जरदारी है, वहां पर
क्यों ये फंडिंग एक दूसरे को की गई और क्यों फंडिंग अमेरिका में की गई ताकि इन लोगों को हकूमत में लाने के लिए लॉबिंग की जा सके, तो सवाल तो उठेंगे। और हमसे जो ये जवाब मांग रहे हैं इस वक्त, अवाम उनसे ये जवाब मांग रही है कि मेरे मुल्क को कितने में बेचा, मेरे मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी कितने में बेची। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें अवाम के आगे, और अवाम को पता है कि ये किस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं और किस तरह से ये झूठ बोलते हैं, इसलिए अवाम इसको बाय करने को तैयार नहीं है। अवाम का सवाल एक ही है, मेरे मुल्क को कितने में बेचा। लेकिन आलिया जी, आप लोगों को नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन पे आप लोगों की तनकीद तो ज्यादा बढ़ गई है? अब अगर हलका बंदियों के मामले पर बात करें तो आप लोगों को क्या उम्मीद लगती है उस हवाले से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम है कि उसने हकूमत में उसने इलेक्शन कराने, उसका और तो कोई काम है ही नहीं। आज कोई भी हकूमत चली जाती है, 3 माह में वो इलेक्शन करवाने का बाउंड है, इसलिए इन हल्का बंदियों के पीछे छुपने की क्या जरूरत है? बात सादा सी है, यूसुफ रजा गिलानी का केस हो, साल हो जाता है, हफ्ते के हफ्ते हम लोग हियरिंग के लिए जाते हैं, ऑडियो वीडियोज मौजूद हैं, वहां पर क्या हो रहा है उसका फैसला नहीं हो रहा। यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा। दूसरा केस आप ले लें कि अब ये जो मुनहरिफ अरकीन है, यानी इमरान खान को जलसे में जाने पर ये लोग जुर्माना करने वाले, यहां पर ओपन एंड शट नजर आ रहे, जो दिन दिहाड़े अवाम के मैंडेट के ऊपर जहां पर डाका डाला जा रहा है, ना ये उस पर कोई हियरिंग करते हैं, ना ये उस पर कोई फैसला करते हैं, और सबसे बड़ी बात फॉरेन फंडिंग के ऊपर इनकी बायसनेस नजर आ गई है। हम बार बार ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2017 का, उसकी रूह से सारी पॉलिटिकल पार्टी की इकट्ठी फॉरेन फंडिंग का नतीजा आना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक पीटीआई को सिंगल आउट करने का क्या पर्पज है? और बार बार मैं बता दूं, हम इदारों पर नहीं, हम उनके फैसले और जो मुतनाजा फैसले होते हैं हम उनके ऊपर कमेंट करते हैं, क्योंकि हमें यह पता होता है कि इदारों की साख उनके फैसलों से मुतासिर होती है, तो ये अपने इदारे की साख को मुतासिर ना करें। अच्छा आली साहब, पंजाब असेंबली की अगर बात करें तो वहां पर जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर पर नहीं होना चाहिए था और बड़ा अफसोसनाक है वो, लेकिन अब पंजाब में सियासी मामलात का ऐसे तरीके से हल निकालना बहुत जरूरी है। आप समझती हैं कि ये हल मुमकिन नजर आ रहा है आपको किसी भी तरीके से? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जिस तरह से पंजाब में इनके गुल्लू बट्टों ने, जो इन्होंने अपनी पहली हकूमत के दौरान इन्होंने भर्ती किए हुए थे, उन्होंने जिस तरह से हमारी ख़वातीन एमपीए के साथ सलूक किया, और एक हमारी एमपीए तो इस वक्त इमरजेंसी में मौजूद हैं, कोमा में मौजूद हैं, इनकी पुलिस के गुल्लू बट्टों के तशद्दुद से, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि एक असेंबली को पहले आपने यहाँ पर नेशनल असेंबली में अवाम के वोट पर डाका मारा, अब आपने पंजाब असेंबली में अवाम के वोट पर डाका डालकर जिस तरह से पार्लियामान का तकद्दस की धज्जियां उड़ाई हैं, तो अवाम भी यह सवाल करना चाहती है कि हमारे आए हुए, हमारे वोटों से आए हुए नुमाइंदे वो इस तरह के हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, जो इस तरह के हैं कि आइन की धज्जियां उड़ाते हैं, जो इस तरह के हैं कि जिन्हें वोट की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि आइन के लिहाज से फैसला करें, कानून के लिहाज से फैसला करें। जो मुनहरिफ अराकीन है, यानी एक पार्टी, हमारी पार्टी यानी पीटीआई और काफ लीग को मिलाकर हमारी अक्सरियत 194 वोट की बनती है, और इसी तरह से अगर मैं पीएमएलएन की देखूं और पीपल्स पार्टी और जो आजाद उम्मीदवारों की देखूं, तो इनकी तो 177 की टोटल तादाद बनती है, तो ये जो 20-25 मुनहरिफ अराकीन के वोटों के बाद इन्होंने 199 वोट लिए, यही तो अवाम का सवाल है, हमारे हक पर डाका क्यों डाला, पार्लियामान के तकद्दस पर हमला क्यों किया, तो ये सोचना तो इन डाकू लुटेरों को चाहिए कि किस तरह से मेरे मुल्क में इनको मुसल्लत किया जा रहा है इस अवाम पर। अब बड़ी फिक्रमंदारा बात की आपने कि आपकी एक ऑब्वियसली आपकी साथी जो है वो कोमा में है, और डेफिनेटली हम उनकी तबीयत के बारे में जरूर पूछेंगे, लेकिन फिलहाल जरा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की तबीयत के बारे से जरा पूछना चाह रहे थे कि उनकी अब तबीयत कैसी है, क्योंकि वो जिस तरीके से अभी वो उनका रेजिग्नेशन नहीं आया है, और उनकी रेजिग्नेशन देने के पीछे क्या वजूहत हो सकती है, क्या जो वहां पर फैसले लिए जा रहे हैं उन पर वो कीन आय रख सकें, नजर रख सकें, उनको पता हो, ऑब्जर्व कर सकें, और क्या वाकई में सदर मुमलिकत जो है वो पार्टी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, ये बहुत सारे सवालात
जो जहन में आ रहे थे। जी आलिया जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, सदर को हटाने के लिए इनको इनको जितने वोट चाहिए, ये हमारे वोटों पर डाका डालकर भी उतने वोट नहीं ला सकते। और इनको आईन और कानून का इतना ही पता है कि जितना मैं इनको बता दूं, ये सिर्फ खाने आए थे। 35-35 साल इन्होंने हुकूमतें की, जिस तरह से गवर्नर की समरी आई, जिस तरह से इन्हें ये पता ही नहीं था कि सिर्फ गवर्नर को सदर हटा सकता है, वजीर आजम का कोई इख्तियार नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सदर आईनी ओहदा है, वोट से आया है, वोट से ही जाएगा, और इसीलिए ये दबाव भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो है वो अलामत होता है, ये सारी वहां पर पंजाब असेंबली, सेनेट, ये नेशनल असेंबली उनको वोट डालती है। बार बार हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि एक अकलियत की पार्टी को अक्सरियत की पार्टी के ऊपर मुसल्लत किया गया, यानी हम अक्सरियत में थे, हमारी अक्सरियत को अकलियत में बदलकर अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर ये जो गैर मुल्की फंडेड हुकूमत आई है, इसे इस अवाम पर मुसल्लत किया गया, और अब इसी तरह का डाका ये गवर्नर पंजाब पर और इसी तरह का डाका ये सदर पाकिस्तान पर भी डालना चाहते हैं। लेकिन होगा तो वही जो आईन और कानून से होगा। मैं बार बार इसीलिए तो कहती हूँ, ये इनको आईन की अलिफ बेपे का पता नहीं है, क्योंकि आज तक ये आईन को अपनी लौंडी समझते रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। होगा वही जो आईन और कानून का होगा फैसला, लेकिन साथ में होगा वही जो अव्वल है और आखिर है, जिस जो अल्लाह ने चाहा वही होगा, और जो बेहतरी होगी वो होगा। बहुत शुक्रिया आलिया हमसे साहबा, पीटीआई रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान के लिए तो ऑब्वियसली हमारी जान, तन, मन, धन, हर तरह से हम हाजिर हैं, जो मुल्क के लिए अच्छा। और इस वक्त जो मुल्क में एक और चैलेंज का हमें सामना है, जरा सा सियासत से रुख थोड़ा चेंज करके देखते हैं शाहजेब, तो पाकिस्तान में एंटीबायोटिक की जो सेल्स है, एंटीबायोटिक सुनने वालों को बताते चले, एंटीबायोटिक जब आपको कोई वायरल होता है, इन्फेक्शन होता है, या आपका जो बुखार जो है वो बढ़ जाता है, तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक जरूर देता है, लेकिन उसके जो गुज़श्ता साल में जो उसकी सेल्स हुई है वो शाहजेब आपको बताएंगे कि आपको देना। और अक्सर ये भी होता है कि डॉक्टर नहीं भी देता, हम तब भी एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है हमारी कि हम हर बात पर एंटीबायोटिक खाते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक का कितना नुकसान आपको हो सकता है। खासतौर पर सही एंटीबायोटिक सही बीमारी के लिए लेना बहुत जरूरी है। गुज़श्ता साल 120 अरब रुपए की एंटीबायोटिक्स दवाएं इस्तेमाल की गई हैं माहरीन के मुताबिक पाकिस्तान में। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि 70% से ज्यादा एंटीबायोटिक्स गैर जरूरी थी, मतलब वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी इन लोगों की जानिब से। गैर जरूरी एंटीबायोटिक दवाओं से इंसानी जिस्म में बैक्टीरिया के खिलाफ मज़ाहमत बढ़ रही है, और पाकिस्तान में कोरोना के 95% से ज्यादा मरीजों ने एंटीबायोटिक दवाएं इस्तेमाल की। तो ये जो पूरा मामला है एंटीबायोटिक का, इस पर आज बात करना बहुत जरूरी है, और इसी मामले पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फिरजिया ने, उनसे हम बात करेंगे। आप खुशामदीद कहेंगे, आप क्या वजह है कि मुल्क में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले के लिए मुझे बात करने बुलाया है। बिल्कुल, ये क्योंकि अभी न्यूज़ में सामने आया है तो ये हमें लग रहा है कि ये कुछ ही दिनों से बड़ा है, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मसला काफ़ी अरसे से चल ही रहा है, और इसके खिलाफ इन्फेक्शस डिजीज़ की जितनी भी सोसाइटी हैं ग्लोबली वो इस अलर्ट को बार बार क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये जो आप देख रहे हैं जिस तरह मिसयूज हो रही है एंटीबायोटिक्स, ये आगे जाकर बहुत बड़ा एक सानिया क्रिएट कर देंगे, बल्कि हम उसको फेस भी कर रहे हैं। सो जो आपने सवाल किया उसके लिहाज से मुझे लगता है कि हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसा है कि जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स के सही इस्तेमाल का कोई भी गवर्निंग सिस्टम नहीं है। गवर्नेंस ही पूरी इसकी डॉक्टर से लेकर मरीज से लेकर फार्मेसी से जहां पर डिस्पेंस होती है, और इनफैक्ट जो सब क्वालिटी एंटीबायोटिक्स बनती हैं ये सब उसके एक रीजंस हैं। बहरहाल अगर हम देखें अपने पिछले 2 सालों को, जिसमें हम कोविड का एरा इंक्लूड करते हैं, तो बिल्कुल ये दुनिया भर में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बेहद बेतहाशा हुआ है, क्योंकि कोविड एक नई बीमारी थी, लोगों को पता नहीं था इसको ट्रीट कैसे करना है, खौफ और हिरास बहुत था, लोग मर रहे थे, तो इनिशियली तो ये बिल्कुल रैम्पेंट इस्तेमाल हुआ, लेकिन फौरन ही हमें पता चल गया कि एंटीबायोटिक्स का रोल है नहीं। तो उस वक्त पाकिस्तान में हम किसी भी तरीके से, कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, और ये बेतहाशा इस्तेमाल ही होती रही, जैसे कि कोविड नहीं बल्कि बहुत सारी और बीमारियों में आपने जैसे कहा 70 से 90% एंटीबायोटिक्स जब लिखी जाती है किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए वो
नॉट रिक्वायर्ड होती हैं। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात तो साबित हो चुकी है कि हम अक्सर लोगों को देखते हैं और घरों में देखते हैं कि जहां पर डॉक्टर नहीं भी प्रिस्क्राइब करता वो सेल्फ मेडिकेशन बहुत, जब भी शाजिब ने भी ये पॉइंट रेज किया, चले उनका समझ में आता है जिनको रेगुलरली एक चीज होती है, ऐसा टॉन्सल्स जिनको बहुत रेगुलरली होते हैं उनको पता है कि किस पॉइंट पे जाके डॉक्टर ने कहा है आपको करना है, लेकिन जिनको नहीं पता होता वो शुरू कर देते हैं और आपने कहा ये बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। मैं ये समझती हूँ कि आप जरा इसको ये बताएं किस हद तक एक्सट्रीम क्या हो सकती है अगर आप खुद जो है ना एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दें रेगुलर तौर पे। जी डॉक्टर साहब देखें मैं एक सिर्फ बताऊंगी आपको कि WHO ने हमें बताया कि तकरीबन 10 मिलियन से 300 मिलियन तक एक्सपेक्टेड है बाय 2050 जो कि सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से होगी, यानी कि आपके जरासीम आपकी सही एंटीबायोटिक्स ना इस्तेमाल करने की वजह से रेजिस्टेंट हो जाएंगे और इसको हम अच्छी तरह से इस वक्त देख भी रहे हैं। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स अपनी मर्जी से लेंगे तो जो आपने एग्जांपल दी कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसके अंदर लोगों को पता है ये बहुत ही माइन्यूट नंबर पे है, लेकिन आम तौर पे आई थिंक द बेसिक प्रॉब्लम इज एजुकेशन। अगर मैं किसी अपने बीमारी के लिए किसी डॉक्टर को रुजू फरमाऊँ और अपने गली के किसी मॉलेज के पास चली जाऊँ और मैं कहूँ कि भाई मैंने इतनी फीस दी है मुझे ये बीमारी हो रही है और वो मुझे सिर्फ नज़ला खांसी जुकाम के लिए पैनाडॉल लिख कर दें और जो शानदा लिख कर दें जो कि एक्चुअली वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट है तो क्या मैं मुतमईन होंगी? तो मसला यही है कि ये इट्स अ मल्टी प्रॉन्ग प्रॉब्लम, उसमें ये नहीं है कि अच्छा इसके अंदर ये भी है कि जी 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 ये फील भी किया जाता है कि पहले, बल्कि हमें ये पता है मेरे ख्याल में आपको भी एक्सपीरियंस ही होगा कि पहले हमें नज़ला जुकाम बुखार ही होता था तो सिंपल सी हम पैनाडोल भी ले लेते थे तो उससे रिकवर हो जाते थे दो तीन दिन में, लेकिन आजकल ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये किस किस्म के हैं कि एंटीबायोटिक भी सब ले लेते हैं, सारी एंटीबायोटिक्स बड़ी हैवी डोज उसकी दी जाती है डॉक्टर्स की जानिब से, उसके बावजूद जो वायरल इन्फेक्शन हैं वो खत्म नहीं होते हैं। आप क्या समझती हैं, क्या हम हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी कह लें या जो एक फाइट करने की सलाहियत है वो कम हो गई है इन एंटीबायोटिक्स की वजह से? देखिए पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वायरल डिजीजेस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं देने चाहिए, ठीक है? तो ये जो हम वायरल डिजीजेस के लिए बोल रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही तो उन्होंने तो काम ही नहीं करना, वो बैक्टीरिया के खिलाफ बनती है, ठीक है? तो आपकी जो अमूमन 80% जो वायरल बीमारियां हैं जो आपको नज़ला खांसी जुकाम होता है, अब आप ये भी देखें कि अगर आप 2 साल पहले जाएं आपके चले ठीक है जो अपर क्लास है वो शायद इस बीमारी के लिए अस्पताल चले जाते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी आपके घर में 2-3 दिन में नज़ला जुकाम सारे घर को हुआ, ठीक हो गया, पैनाडोल खाया और वो नहीं डॉक्टर के पास जाते थे। अब जो 2 साल में हुआ है वो कोविड के खौफ से हुआ है कि भाई कहीं कोविड तो नहीं है तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे। आपके एक तहकीक के लिहाज से पंजाब में 70,000 to 80,000 क्वैक्स अनक्वालिफाइड क्वैक्स हैं, इधर भी एजुकेशन की जरूरत है, वो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको एंटीबायोटिक्स लिख देंगे। तो होगा क्या, ये वो ये सोचते हैं कि भाई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है जबकि उसका काम ही नहीं है वायरल डिजीज में काम करना। तो दैट इज द बेसिक रीजन कि हमें इसको समझना है, पाँव मुड़ जाए, चोट लग जाए, एंटीबायोटिक शुरू हो जाती है। एंटीबायोटिक्स को इस तरह इस्तेमाल करने से हमारे पास जो कुछ बची कुछ एंटीबायोटिक्स हैं वो भी काम करना आप छोड़िए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा टाइफॉइड है जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ 2016-17 में हैदराबाद में, जो कि एक बहुत ही रेजिस्टेंट स्ट्रेन है और क्योंकि आपका ग्लोबल सिटी जो है हमारी ग्लोबल वर्ल्ड इतनी कम हो गई है ट्रैवलिंग की वजह से कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पैदा होगा वो जल्द पूरे दुनिया में फैल जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है समझना कि एंटीबायोटिक्स आर नॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरी इलनेस जो एक मरीज को हो। यानी कि हर इंसान सिर्फ ये सोचे कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे लगता है मुझे एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी होगी, वहीं पर अपने आप को रोके क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको एंटीबायोटिक लेनी हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजविया हमारे साथ मौजूद थी, आपके वक्त का, आपने सवेरे पाकिस्तान को वक्त दिया अपना और वाकई में आपके वक्त का इसलिए भी शुक्रिया क्योंकि इस वक्त शाजिब जिसको देखो कोई ना कोई खांसी, कोई ना कोई नज़ला, कोई ना कोई बुखार, कोई ना कोई इस तरह का स्ट्रेस, लेकिन ज्यादा टेंशन ना लें, सफे के बाद रहेगा हमारे साथ ससुर पाकिस्तान, थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, रहेगा हमारे साथ, रहेगा आपके साथ।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। अब कुछ बात करेंगे मुल्क की मईशत की, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से IMF के साथ नई हुकूमत के मुज़ाकरात भी जो हैं वो जारी हैं। दूसरी तरफ IMF रिपोर्ट कुछ इशारे भी दे रही है। साथ में देख रहे हैं कि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवा माल जो साल है माली साल के दौरान पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कमी का खदशा है, बेहतरी नहीं है, कमी का खदशा है, और साथ में पाकिस्तान महंगाई कम कर सकेगा ना ही मौशी अदाव पूरे होंगे। तो इसी मामले पर बात करनी है और इसको समझने के लिए हमने रब्ता किया है माहिर मौशियात खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आ गई है और सबसे पहले तो बताएगा इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या वजह है कि पाकिस्तान की मौशी तरक्की में कमी का खदशा है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें ये कोई नई चीज़ नहीं है, नई ना कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट चीज़ें बताई गई हों। ये पहले भी रिपोर्ट में ही कहा गया था कि जिस तरह से हम जा रहे हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी जा रही है और जैसे लोकल हमारी जो मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, उसमें हमारी ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है, महंगाई ज़्यादा हो सकती है और हमारे तजारती खसारा ज़्यादा हो सकता है, माली खसारा ज़्यादा हो सकता है और ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट ये सारा जो है ज़्यादा हो सकता है हमारे टारगेट्स है, पर वो हो भी रहा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, उनका एक जो है अपडेट्स होती हैं। जी तो खुरम भाई, कौन कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जो कि IMF की तरफ से जिनका जिक्र आया है जो लगता है कि अगले साल में जो है वो पूरे नहीं हो सकेंगे? जी उसमें देखिए, यही मैंने जो दो चार आशारियों की बात की है जिसमें सबसे पहली चीज़ ग्रोथ है, मौशी तरक्की जिसे कहते हैं GDP ग्रोथ, वो बेसिकली कम हो सकती है क्योंकि पहले प्रोजेक्ट की जा रही थी 4.5% अब 4% प्रोजेक्ट की जा रही है और इन्फ्लेशन जो है वो 7-8% इनिशियल टारगेट था, फिर 8-10 हुआ, फिर अब 12 तकरीबन पहुँच रहा है। उसके अलावा तजारती खसारा जो था वो पहले था कोई तकरीबन 6 अरब डॉलर, अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूँ, वो 6 अरब डॉलर था, अब वो जो है बढ़ के उसके बाद 8 अरब हुआ, फिर अब 12 हुआ, अब जो है वो 20 अरब डॉलर की बात हो रही है। तो ये सारे जो खसारे हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि एक तो इंटरनेशनल क्राइसिस, ऊपर से लोकल गवर्नेंस और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सब मिला के जो है ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, जो कि IMF ने सही से पॉइंट आउट किया इसको। अच्छा, साथ में जिस तरीके से नई हुकूमत को IMF से प्रोग्राम की बहाली और नई केस मिलने की उम्मीद है, IMF प्रोग्राम मौजूदा हालात में मुल्क के लिए कैसा है आपके ख्याल में? देखिए IMF के पास तो जाना पड़ रहा है, यह पिछली गवर्नमेंट भी अगर कंटिन्यू करती तो उसको भी जाना पड़ता नेचुरली, क्योंकि वो तो थी IMF में और ये गवर्नमेंट भी ऑफकोर्स IMF के पास जा रही है। वजीर खजाना जो नए वाले हैं वो कल जो है मेरे ख्याल में US गए हैं, रात को इनफैक्ट उनकी फ्लाइट थी, तो और गवर्नर स्टेट बैंक पहले से पहुंच चुके हैं अमेरिका, तो IMF प्रोग्राम ऑफकोर्स रिज्यूम तो होना ही है। और देखें शॉर्ट टर्म में तो IMF के बगैर आप नहीं चल सकेंगे, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि IMF प्रोग्राम आप जब ले लेते हैं तो प्लानिंग ऐसी करें कि दोबारा आपको IMF के पास ना जाना पड़े। अब देखें ना, पिछली गवर्नमेंट भी आई थी तो उसने कहा था कि हम जो है नेक्स्ट टाइम IMF के पास हमें नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन नेचुरली अब जाना पड़ रहा है। अब ये गवर्नमेंट आई है तो उसको भी हमें इस तरह से अकाउंटेबल करना है कि आपको इस मरतबा जो प्रोग्राम मिलता है या तो इसको कंटिन्यू होना चाहिए, जो प्रोग्राम 6 अरब डॉलर का था, 3 अरब डॉलर मिल चुके हैं और 1 अरब डॉलर की अभी किस्तानी है जो कि रुक गई थी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि वो उनको ये नहीं था कि जी नई गवर्नमेंट कौन सी आएगी जिसके साथ डील किया जाए, तो सस्पेंड हो गया था प्रोग्राम, तो अभी जो है दोबारा से शुरू हो रहा है। तो या तो इसी को कंटिन्यू करें या फिर एक बड़ा प्रोग्राम ले लें वंस एंड फॉर ऑल कि ठीक है 6 अरब डॉलर है, 10 अरब डॉलर है, 20 अरब डॉलर है, 4 साल का प्रोग्राम है, 5 साल का प्रोग्राम है, वो आप ले लें एक बार, लेकिन उसके बाद ये तैयार करें कि जो हमें ये 10 अरब डॉलर मिलेंगे इससे हम 50-100 अरब डॉलर अपनी इकोनॉमी में बेहतरी लाएंगे, और ना सिर्फ ऐसी बेहतरी लाएंगे कि शॉर्ट टर्म हो बट बल्कि असलाहत लेकर आएंगे। इस्तलाहत का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों में जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आएँ जो कि हमारे क्रॉनिकल इशूज़ हैं, जैसे कि एनर्जी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ देखें आज भी गर्मी में जो है और सर्दी में, पीक गर्मी में पीक सर्दी में लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, हालांकि कब से हम जनरेशन पे काम कर रहे हैं और T&D लॉसेस हमने अभी तक कंट्रोल नहीं किए हैं और अभी तक हमारी बिजली महंगी है, पूरे रीजन में बिजली सस्ती है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महंगी होती जा रही है, तो हम क्यों नहीं एनर्जी रिफॉर्म्स करते हैं? और देखिए ये पास ऑन करना, बिजली को बार बार बढ़ाना सोल्यूशन नहीं है, उससे चोरियाँ बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि पीछे सिस्टम हमारा जो बिल्कुल ही जो है ना वो सड़ चुका है, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें। एनर्जी बैकबोन होती है किसी भी कंट्री का, तो एनर्जी में रिफॉर्म्स करना, फिर टैक्स में रिफॉर्म्स करना कि जो लोग टैक्स नहीं देते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि बड़े बड़े जो है वो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो है वो सेठ हैं, बड़े बड़े जो है ना वो रियल स्टेट टाइकून्स हैं, बड़े बड़े शुगर बैरन से लेकर पता नहीं कौन कौन है,
इन सबको जो है टैक्स रेट में लाएं और जो सही टैक्स हमारा बनता है इन लोगों से लें और गरीबों पे जो है वेलफेयर का जो है वो काम शुरू करें। तो ये एक हमारे यहाँ जो है ना बैलेंस नहीं है। फिर हमारे यहाँ सिविल रिफॉर्म्स नहीं है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं है। बड़ी बड़ी एसओईज हैं, स्टेट ओन कंपनीज जिसे कहते हैं, पाकिस्तान रेलवे, पीआईए और बाबडा और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, हाथ सफेद हाथी जिन्हें कहा जाता है, जो कि एक एक ट्रिलियन रुपीज का जो है वो एनुअल लॉस बनता है और हमारे जो है ना वो फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल जो टैक्स हमारा जो होता है उसमें से बाहर से खा जाते हैं, तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट में कैसे लगाएं। इसलिए इन सब सारे रिफॉर्म कैसे लगाएं एग्जैक्टली, तो जैसे हमें दोबारा आईएमएफ के पास ना जाना पड़े। तो खुर्रम भाई एक बात बताएं, पहले जो है हमें तो खुर्रम भाई पहले ऑब्वियसली इतना बड़ा चैलेंज का सामना है, इस तरह आप बता रहे हैं कि गोल्स पिछले ही नहीं अचीव हो चुके हैं, अब इस तरह की सिचुएशन में आने वाला बजट नहीं हुकूमत के लिए, तो एक मेरे ख्याल बहुत बड़ा पहाड़ नहीं होगा कि किस तरह इसको जो है वो पार करेंगे या कैसे उसको क्रॉस करेंगे। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है बड़ा आसान बजट होगा, लेकिन इसमें देखना ही होगा कि देखें ऐसा भी नहीं है कि बजट जो है आप पता नहीं कौन सा आपको लाना पड़ेगा और उससे जो है इकोनॉमी एकदम से ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ टैक्स के रिफॉर्म्स करने हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो कि आपको एक्सपोर्ट्स की तरफ लेके जाएं, एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाएं। देखें पूरी दुनिया में आप टॉप 5 टॉप 10 इकोनॉमीज उठा लेना, उसमें 8-9 ऐसी इकोनॉमीज हैं जो सिर्फ उसे एक्सपोर्ट्स पे चलती हैं। आप जर्मनी का नाम ले लें, आप जापान का ले लें, आप नेक्स्ट डोर इंडिया का नाम ले लें, आप चाइना का नाम ले लें, आप अमेरिका की बात कर लें, आप यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, सबकी जर्मनी के अलावा भी, और आप यू नेम इट, आपकी जो बड़ी जो इकोनॉमीज हैं टॉप 10 टॉप 15 वो सब सबकी सब ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स पे हैं। तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस ही नहीं है, हम तो सिर्फ ये कहते हैं करेंसी को आप जो है उसकी कदर में कमी कर लें तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, वो ऐसा नहीं होता, ये सस्टेनेबल नहीं होता। आज देखें ना आपकी करेंसी कहाँ से कहाँ चली गई है, आपकी एक्सपोर्ट में अब 1-1.5 साल में इजाफा हुआ, वो भी इसलिए ज़्यादा हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो आप यहाँ से जो भी कपड़ा भेज रहे हैं या जो और चीज़ें भेज रहे हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, इस वजह से आपका कमाल इतना ज़्यादा नहीं है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ रिफॉर्म्स उस तरह से नहीं हुए हैं जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होती हमारे यहाँ। ग्रोथ लाना मसला नहीं है, और इनसे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी जरूरी है, रिफॉर्म्स भी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खुर्रम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, आपने शो में ज्वाइन किया, और इस वक्त जो मुल्की मईशत की सूरत हाल है, जो आगे बनने जा रही है, इस हवाले से खुर्रम शहजाद साहब हमें आगाह कर रहे थे। खैर अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और अगले सेगमेंट में हम जिक्र करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का, क्योंकि वहाँ की जो सवाबी वुमेन यूनिवर्सिटी है वहाँ से एक मुनफरद फैसला माया खान सामने आया है। आजकल हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, जाहिर बात है टेक्नोलॉजी की दुनिया है और आईटी बहुत एडवांस हो रहा है, साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल तो ट्रांसफर ऑफ डेटा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। लेकिन उसकी वजूहत ये थी कि जो पाबंदी लगाई है उसमें उनकी पढ़ाई में और वो जो रिजल्ट्स थे वो बहुत मुतासर हो रहे थे, तो क्या उसकी पाबंदी पर ऑब्वियसली की वजह से उनकी जो रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं, ये ऑब्वियसली एक सवाल है जो हमें ऑब्वियसली उसका जवाब की भी तलाश है। तो हमारे साथ हमने रब्ता किया है वाइस चांसलर सवाबी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शहाना उरूज काजमी साहब से। बहुत शुक्रिया आपने डॉक्टर साहब वक्त निकाला प्रोग्राम में आने के लिए, और ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला जो हमें वजूहत बताई हैं वही हैं या कोई और वजह है, और ये कब लिया गया फैसला? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर अप्रोचिंग अस टू फाइंड आउट व्हाई वी हैव पुट दिस रिस्ट्रिक्शन। आपको पता है कि मोबाइल फोन और सेल फोन जो है बहुत अहम किरदार अदा किया इसने हमारे कोविड के जमाने में, तो 2 साल तक तकरीबन जो है हमारे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और सारी कम्युनिकेशन जो बच्चों के लिए थी वो मोबाइल फ़ोन और ये लैपटॉप्स वगैरह से ही हो रही थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि कोविड किसी हद तक कंट्रोल हो चुका है और अब फिज़िकल क्लासेस होने लगी हैं, तो टीचर्स सामने होते हैं स्टूडेंट्स के, और इसलिए उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सेल फोन के ऊपर सारी कम्युनिकेशन देखें, स्लाइड्स देखें। तो हमने इसलिए रिस्ट्रिक्शन की क्योंकि अभी देखें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप जनरली देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्लास में जो बच्चियों की अटेंशन है टूवर्ड्स द स्पीकर, जो लेक्चरर सामने होता है उसके साथ जो है इंटरेक्शन उनका काफ़ी कम है, क्योंकि वो क्लास के दौरान भी जो है उनके सेल फोन्स ऑन रहते हैं, बजते रहते हैं, उसके ऊपर कम्युनिकेशन जारी होती है, उसके ऊपर मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, तो उससे क्लास की जो सेंटी वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो इसलिए पाबंदी लगाई गई है मोबाइल फोन के इस्तेमाल में, या फिर इंतजामिया ने जो यूनिवर्सिटी की हुदूद है उसमें पाबंदी लगा दी है? जी दोबारा कहिएगा। मैंने कहा
मैं आपसे ये सवाल कर रहा था डॉक्टर साहिबा कि इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी के हदूद में पाबंदी लगाई है या क्लासरूम में दौरान क्लास दौरान लेक्चर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते? जी देखिए, दौरान क्लास भी मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते और यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है मोबाइल फोन जो है उसको साइलेंट पे रखिए, क्योंकि हमने देखा है बच्चियां क्लासेस नहीं अटेंड करती हैं, असातिज़ा की तरफ से शिकायत है कि वो बाहर बैठ के तकरीरें सुन रही होती हैं, म्यूजिक सुन रही होती हैं, यूट्यूब के ऊपर देख रही होती हैं, तो इससे जो है पूरा माहौल जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो हमने ऑन कैंपस जो है इसका यूज जो है सेल फोन का उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया है, क्योंकि देखिए इमरजेंसी की सिचुएशन में पेरेंट्स के साथ कनेक्शन करना होता है वो थोड़ा सा, तो वो तो इसकी तो हमने सख्ती नहीं की, हमने ये नहीं कहा कि मोबाइल फोन नहीं ला सकती, मोबाइल फोन लाएंगे लेकिन उसको साइलेंट पे रखेंगे और उसको क्लास में बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर क्लास में किसी का फोन बजा तो फिर वो फोन जो है उनसे लिया जाएगा और उसके बाद उस पर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगाई जाएगी ताकि दूसरे बच्चों को मैसेज मिल सके। मैं यही सवाल करने आई थी कि अगर वो फोन यूज करते हैं तो पेनल्टी क्या लगाई जाएगी उन पर, मतलब उनका फोन जो है वो जब्त कर लिया जाएगा या उनको, क्योंकि देखिए पैसा तो फायदा नहीं है पेनल्टी लगाने का, मतलब क्या करेंगे, जिस तरह बाहर रिटेन कर देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस में बिठाया जाता है इंटरनेशनली, तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है कि अगर ऐसे मामला, क्योंकि मामला अकर हुए तब ये डिसीजन लिया गया, तो अगर ये डिसीजन के बाद अगर जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें आपके फेवर में भी जाएगा और अगेंस्ट भी, तो अब क्या करेंगे? जी हाँ, नहीं देखिए, उनका फोन जब्त नहीं किया जाएगा, उनका फोन लिया जाएगा और उसके बाद उनको जो है कोई ना कोई पेनल्टी लगाई जाएगी ताकि ये जो प्रॉब्लम है किसी तरह कंट्रोल हो सके और हम डिसिप्लिन कर सकें अपने स्टूडेंट्स को। ये बेसिकली इट्स वन ऑफ द मूव टुवर्ड्स डिसिप्लिनिंग आवर स्टूडेंट्स कि ये जो है इस तरह का मोबाइल का यूज क्लास के अंदर, मोबाइल का यूज यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग के अंदर, इस तरह से गाने बजना, टिकटॉक की फिल्म बनाना और ये सारी चीजें और फिर उनको फेसबुक पे डालना, उस तरह की बहुत शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने इस तरह का एक्शन लिया है और इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी और क्लासेस जो है एक बड़ा सवाल, अहम सवाल करना चाह रही हूँ आपसे। चंद घंटों के लिए वो बच्चे यूनिवर्सिटी आते हैं, जरा मैं चाहूंगी बीइंग अ उस्ताद, क्योंकि उस्ताद माँ बाप का दर्जा रखते हैं, माँ बाप को क्या कहेंगी कि क्या वही नजर, वही सख्ती, वही इम्प्लीमेंटेशन अपने बच्चों पे, क्योंकि वो उस टाइप के बाद वो घर चले जाएंगे, तो उनको क्या तलकीन करेंगे माँ बाप को? जी हाँ, वो घर चले जाएंगे, घर पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। देखिए हमारा काम तो तालीम देना और तरबियत देना जो है यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंदर उस टाइमिंग में है, उसके बाद तो दे आर ऑन विद देयर पेरेंट्स एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि ये जो स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारी बच्चियों को लैपटॉप भी इस्तेमाल करने, डेस्कटॉप भी करने होते हैं अपने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, रिसर्च वगैरह सब करने के लिए, तो हम ये भी चाहते हैं कि ये कम से कम जो है स्क्रीन टाइम किया जाए, जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल करें, और इसके लिए हम ये भी कर रहे हैं कि अपनी कंप्यूटर लैब्स के अंदर फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं ताकि उनको वहां पर जो है अपने एजुकेशनल जो असाइनमेंट्स हैं उनको करने के लिए काम इस्तेमाल कर सके, और लैब ये जो स्मॉल इतना छोटा सा जो ये सेल फोन होता है उसके ऊपर बड़ा मुश्किल होता है कि ये सारा काम करें, तो हम लैपटॉप और जो कंप्यूटर्स की फैसिलिटी है उसको एनहांस कर रहे हैं ताकि बच्चियों की तालीम, अगर आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच वाइस चांसलर सवाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शाहना अरूज काजम साहब हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन वाकई माया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैपटॉप इस्तेमाल करना, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना, आजकल हर चीज ऑनलाइन, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ऑनलाइन, डाटा ट्रांसफर ऑनलाइन, हर चीज आपको करनी तो पड़ती है, तो उसके लिए जरूरत तो है, तो अगर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर वापस आते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपकी किसी से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि बड़े टैलेंटेड है माशाल्लाह। आज नात खानी के सेगमेंट में हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो पंजाब पुलिस के बहादुर जवान हैं ये जी, और आसिम अयूब साहब जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, वर्दी में नाते पढ़ते हुए उनकी कई वीडियोज लोगों ने देखी भी हैं, वायरल भी हुई हैं, बहुत पसंद भी की जा रही हैं, और बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे।
ये उनका कलाम जो है बड़ा मशहूर हुआ और ये मशहूर होने के बाद हमने देखा कि उन्हें उम्रे का टिकट देकर वालदा के साथ अल्लाह के घर की हाजिरी के लिए बुलाया भी गया। तो आज वो हमारे मेहमान हैं, उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे लेकिन साथ में उनकी प्यारी से आवाज में हम कोशिश करेंगे कलाम भी सुने। बहुत 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 अहमदाबाद। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से आसिम अयूब साहब। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आप ठीक हैं? आपने शोहरत हासिल की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं बिल्कुल वही कलाम पेश करता हूँ, बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं जब निकल रहा था ऑफिस से तो मेरे कोलीग हैं, दो भाई हैं हमारे, वो भी पुलिस वाले, सैयद मुफखर मैदी और ज़ीशान हैदर भाई, उन्होंने भी फरमाइश की कि ये वाला कलाम आप आज सुनाइएगा। तो बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस कलाम से मैं पेश करता हूँ जी। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे। अगर जाना तशरीफ लाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, ला
شہر مدینے علی تو میں پیر پیمبر صدق کرا تیڈی وکھری شان نرالی تو تے لکھ تاج نوابی کول سٹا تیڈی سوہنی چادر کالی تو میں وارس جنت کوار دیواں تیڈے روزے پاک دی جالی تو کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسن بھائی آپ نے اتنا خوبصورت کلام پڑھا ہے خاص طور پر اور خوشی بھی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے کچھ سوالات بھی آپ سے کرنا چاہتے ہیں کچھ باتیں بھی کرنا چاہتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ جس ادارے میں کام بھی کرتے ہیں وہاں پر بھی میرے خیال میں آپ سے لوگ اس خواہش کا اظہار کرتے ہوں گے کہ ہمیں کوئی نعت پڑھ کر سنائے تو کب سے آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں کب آپ کو یہ شوق ہوا جی بالکل ادارے کے لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں جی اور بڑی محبت سے کلام سنتے ہیں میں ویسے تو بچپن سے بہت شوق تھا نعت خوانی کا مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے جا کے تو 2011 میں میں نعت کی دنیا کے ایک بہت بڑا نام ہمارے استاد محترم جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے سید منظور القنین شاہ صاحب واکینٹ سے میں ان کے پاس گیا تو بابا جی نے بڑی شفقت فرمائی تھی اور میں نے ادھر سے نعت سیکھنے کا آغاز شروع کیا تھا پھر سید زبیب مسعود شاہ صاحب ہیں ان سے بھی تربیت حاصل کی اور سید سلمان کونین شاہ صاحب ہیں ان سے بھی تربیت حاصل کی اور الحمدللہ عوام میں بھی بڑا اچھا ریسپانس ملتا ہے۔ اچھا آپ کو پہچانتے ہیں کبھی عاصم صاحب آپ جاتے ہیں کیونکہ آپ کا جو ہے وہ آپ کے پولیس میں ہونا اور پھر آپ کا جو ہے آپ کا وردی میں ہونا اور پھر آپ کا جو ہے وہ نعت پڑھنا اسی سے آپ نے شہرت حاصل کی تو لوگ آپ کو پہچانتے ہیں؟ جی جی اکثر میں باہر جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی دو چار بندے ضرور مل جاتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں جی ہم نے آپ کی نعتیں سنی ہیں آپ کو سنتے رہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ مختلف اس قسم کے میسیجز آتے رہتے ہیں دنیا کے تقریباً سارے ممالک کافی ممالک سے مجھے لوگوں نے رابطے کیے میسیج کیے ماشاءاللہ آپ کا انداز بھی بہت بہت مدھم ہے بہت تھما ہوا ہے آپ جلدی میں نہیں پڑھتے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے ایک ایک لفظ کو محسوس کر کر اپنے دل اور اپنی روح سے آپ ادا کر رہے ہیں سرکار کی شان میں اللہ پاک آپ کی اس نیت کو قبول فرمائے اور سرکار بھی اس کو آپ کے کلام کو آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے بہت شکریہ عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد اسٹوڈیو سے اور چونکہ آپ جانتے ہیں 92 اس وقت نہ صرف پاکستان میں سب سے بڑا جو ہے وہ نیٹورک ہے بلکہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ جہاں جہاں میرا خیال ہے بجلی اور انٹرنیٹ آتا ہے وہاں پر 92 موجود ہے لیکن اس وقت آپ کو اسلام آباد سے ہم لے کے چل رہے ہیں لاہور اسٹوڈیوز کی طرف جہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور وہاں پر مہمان موجود ہیں اور جس حوالے سے ہیں وہ ایک مدعا ہے جس کو میرا خیال ہے بات کرنا اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ہم بات کرنے جا رہے ہیں نشے کی لت نوجوانوں میں خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ینگ ایج میں آج کل جو بچے ہیں ٹین ایج میں وہ نشے کا شکار ہو رہے ہیں نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں بڑی انفارچونیٹ یہ صورتحال ہوتی جا رہی ہے اور ایسا ہی کچھ گزشتہ چند روز میں دیکھنے میں آیا ہے یہ صورتحال کہ لاہور میں اسٹریٹ کرائم ہاؤس رابری کی وارداتیں کرنے والے 70% افراد کو
पहले किसी ना किसी नशे की लत लगी और उस नशे के लिए पैसों का वसूल उनको जराइम की तरफ ले गया, यानी कि ये देखा गया कि जो जराइम में मुलव्वस अफराद हैं खासतौर पर यंग एज में, वो तमाम वो लोग हैं जो नशे के आदि हैं या नशे की लत उनको लगी है, उसके बाद वो जराइम की तरफ बढ़े हैं। माया बिल्कुल ऐसा ही, आपने बड़ी सही तरीके से उसके जो मंजर कशी की है ना कि एक तो बच्चों का भटकना, नई नौजवान नस्ल का या किसी इंसान का भी भटकना पहला रीजन बनता है, भटकने के बाद वो क्या रास्ता चुनता है वो रीजन बनता है, उसके बाद जो रीजन बनता है उसमें वो जब शॉर्टकट्स की तरफ जाता है, सुकून की मिल रहा है, नींद आ रही है, सर माउफ हो रहा है, नमनेस फील हो रही है, अब उसको हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो पैसा शुरू में तो आ जाता है लेकिन उसके बाद जब आपके ऊपर जब क्रेडिट चढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आना शुरू होते हैं और फिर आपकी जान को अंदरूनी भी खतरा होता है और बैरूनी भी खतरा होता है। तो मेरे ख्याल से शाजिब ने मंजर किसी के साथ फैक्ट्स भी आपसे शेयर की कि 70% अफराद को पहले किसी ना किसी नशे की लत लगी और इसी नशे के लिए पैसों का उसूल जो है वो उसके बाद उनके लिए मुश्किल बन गया। और नौजवान अब्दुल्ला के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरह उन्होंने बात की, अभी बताया गया सीरियल किलर जजी जनाब मलेशिया के हाथों 5 अफराद के कत्ल की वारदात हुई, गुलशन राबी के हाफिज हमदान के कत्ल का वाकया, नौजवान अब्दुल्ला के कत्ल दोस्त हों, ये तमाम कड़ियां जितना आप जिक्र कर रही हैं, जितने ये कत्ल हुए हैं, ये तमाम कातिलों का अगर जिक्र करें तो ये तमाम कड़ियां मिलती हैं जाके नशे से कि वो तमाम लोग नशे के आदी थे और फिर वो जराइम में मुलव्वस हो गए। लेकिन नशे का बढ़ता इस्तेमाल सोसाइटी के लिए कितना खतरनाक है या कितना खतरनाक साबित हो रहा है खासतौर पर बच्चों को लेकर, टीनएजर्स को लेकर, वेरी अलार्मिंग। बिल्कुल इस पर बात करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने ज्वाइन किया है कंसल्टेंट इस्तेदाद मुनशियात मुहिम और डायरेक्टर ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब ने। सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। जुल्फिकार साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वाकयात से पता चल रहा है कि तमाम जराइम में मुलव्वस लोग जो हैं, ये कातिल हों या कोई भी हों, वारदातें करने वाले लोग हों, ये कहीं ना कहीं जाकर इनकी कड़ियां मिलती हैं नशे के आदी लोगों से, तो क्या नशे की तलब इंसान को अच्छे बुरे की तमीज सब खत्म कर देती है और इंसान इस किस्म की वारदातों में मुलव्वस हो जाता है, जराइम में मुलव्वस हो जाता है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया और बड़ा इम्पोर्टेंट इशू जिस पे आज बात कर रहे हैं। अभी जो लाहौर का जो रिसेंटली वाकया जिसमें एक शख्स ने घर के 6 अफराद को कत्ल कर दिया सिर्फ और सिर्फ नशे की खातर, मैं कहता हूँ ये दिलखराश वाकया था। इससे पहले भी लाहौर में और कराची में खासकर, रावलपिंडी में और फैसलाबाद में इस तरह के वाकयात हुए हैं। और जब एक ड्रग एडिक्ट जो नशा करता है और उसकी अकल जो है बिल्कुल माफ हो जाती है सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए, यानी हमारे मज़हब में भी जिस चीज़ का जिक्र किया गया, खमर का जिक्र किया गया, वो चीज़ जो आपके अकल पे पर्दा डाल दे। अभी हमने ये बात तय करनी है कि जो क्राइम और ड्रग्स का आपस में एक गहरा ताल्लुक है और उसको हम किस तरह इसको आपस में जोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा माजी में चंद साल पहले जो ड्रग्स का इस्तेमाल था लोग करते थे, वो ज़्यादा चर्स का, शराब का और दीगर चीज़ों का, लेकिन चंद सालों से जो केमिकल और जो ड्रग्स आ गए हैं और बड़े एक्सपेंसिव हैं, यानी आइस एंड कोकीन, ये दो नशे ऐसे हैं जो बड़े ही एक्सपेंसिव हैं और इनको पूरा करने के लिए, इनको मीट करने के लिए जब आप क्रोनिक एडिक्ट बन जाते हैं, पहले आप स्टार्ट में अपने रिलेटिव से, घर से पैसे लेते हैं, फिर रिलेटिव से उधार लेते हैं, फिर घर से अपनी चीज़ें चोरी करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर आप क्राइम की तरफ आते हैं। और यकीनन जो आइस और कोकीन का इस्तेमाल करने वाले हैं वही जराइम की दुनिया में आए। और आपने देखा होगा कि कराची में जो एक वाकया था जिसमें एक जो मियां बीवी नशा करते थे आइस का, और उन्होंने जब आइस का नशा ना मिला और औरत ने इस कदर हाई डोज ली कि उसको किसी चीज़ का ना पता चला कि उसने अपने जो घरवाले के जो उसका खामन था उसके टुकड़े कर दिए। जब सुबह उसको होश आया उसने कहा ये मैंने क्या कर दिया है। इसी तरह लाहौर में मुझे याद है एक लड़के ने अपनी वालदा के साथ वो आइस का नशा करता था, वालदा ने पैसे नहीं दिए और वो उसने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया।
इसी तरह फिर एक और वाकया लाहौर में, जहाँ पर सर लाहौर में नहीं, इसी तरह लाहौर में और लोगों को कत्ल कर दिया मालशी ने। इसके अलावा पबजी का इस्तेमाल करने वाला एक शख्स जिसने अपने घर के 5 अफराद को जो आइस का इस्तेमाल करने, आप देखें आइस का नशा किस तरह इंसान की अकल पे पर्दा डाल देता है, उसके अंदर तब्दीलियां लेके आता है, उसके अंदर ऐसी तब्दीलियां लेके आता है कि वो इंसान नशे के अलावा उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब ये जो चीज़ें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, वाकयात बढ़ रहे हैं। और मैं प्रोग्राम की विसासत से वालदैन को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके बच्चे जब क्रोनिक एडिक्ट बन जाते हैं, जिनके बच्चे क्रोनिक एडिक्ट बन जाते हैं, वालदैन को उस कंप्रोमाइज करना चाहिए। सबसे पहले जो एक एडिक्ट है जिसे हम क्लाइंट बोलते हैं, जो क्रोनिक एडिक्ट बन जाता है, उसकी जो काउंसलिंग से पहले उसके वालदैन की काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। वालदैन को उन बच्चों के साथ जो बच्चे हार्ड ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो क्रोनिक एडिक्ट बन जाते हैं, उनके साथ हार्श तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। जुल्फिकार साहब, कैसे पता चले वालदैन को कि उनका बच्चा जो है वो ड्रग्स में पड़ चुका है, उसकी कुछ निशानदियाँ, कुछ ऐसी निशानियाँ आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर सुनने वाले माँ बाप हैं, अल्लाह ना करे किसी घर में हो, लेकिन अगर ऐसा है तो वो किस तरीके से उस पर वार्न हो सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं? जी सर, देखिए वालदैन को मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ों का इल्म होता है, और वालदैन बाज़ुकात अपनी इज्जत की खातर अपने रिलेटिव में, हमसायों में, सोसाइटी में जहाँ रह रहे होते हैं, वो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वालदैन के लिए बहुत से साइंस हैं जो उनको वो अपने बच्चों का खुद एनालिसिस कर सकते हैं। यानी बच्चा रोज़ाना टाइम पे जाता था, स्कूल जाता था, काम पे जाता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाता था, लेकिन आजकल वो नहीं जाता। टाइम पे उठता था, अब वो टाइम पे नहीं उठता। रात को जागता है, सुबह सोता है। अब देखें उसके पास टेलीफोन आते हैं, वो सिर्फ अपने कमरे को लॉक करके रखता है। उसके बाद देखें घर से लड़ाई झगड़ा होता है, रोज़ाना वो हर एक के साथ लड़ता है। और उसके बाद फिर ये है घर से चीज़ें चोरी, जो मैंने पहली बात की थी, घर से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, पैसे चोरी होने शुरू हो जाते हैं। फिर हम इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, ये मैं अपर क्लास के लोगों की बात कर रहा हूँ। बाहर किससे मिल रहा है, बाहर कहाँ जा रहा है, घर से बाहर जाएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फिर हम ये कहें कि माशरे में जो जराइम बढ़ता जा रहा है, उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि लोग नशे के आदि होते जा रहे हैं। तो यानी कि अगर जराइम को रोकना है तो पहले नशे को रोकना है। देखिए जराइम और नशे का आपस में अब ताल्लुक बन गया है। आपने जराइम को रोकना है तो नशे की सप्लाई लाइन को कट करना है। जब आप सप्लाई लाइन कट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप ये सारी चीजें फजूल हैं जितनी भी हम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ड्रग्स का इस्तेमाल इस कदर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जो हमारे जो अदादो शुमार है 2013 के वो 67 मिलियन है, और अब 2022 है। उस वक्त एसटीसी एलएसडी टैबलेट कोकीन हैश नहीं थी। आज देखें आज तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ के करीब अफराद नशे की तरफ पहुंच गए हैं। ये सारे नशे, आइस हो, कोकीन हो, ये सब आता कहां से? क्या जहां से ये आ रहा है उसको रोका नहीं जा सकता? सर सप्लाई लाइन जो है ना, ये एक बड़ा इशू है। हम पहले इल्जाम लगाते थे अपने नेबर्स कंट्री पे, नेबर्स कंट्री में देखे 1400 किलोमीटर ओपन बॉर्डर एरिया है, जिसको हमारी फौज को क्रेडिट जाता है, आर्मी को क्रेडिट जाता है, जिसने ये फेंस लगाई है। अगर जिस तरह अफगानिस्तान के हालात हुए थे, वो अगर उसी तरह हमारी फेंस न लगी होती, तो आप बिलीव करें कि पाकिस्तान में ड्रग्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होना था, अभी भी है। लेकिन हमारे यहाँ मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अब चीज़ें बाहर से नहीं आ रही। आइस जो है आप आसानी के साथ 2 केमिकल मिक्स करके तैयार कर सकते हैं। कोकीन जो है वो बाहर से जरूर आ रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। उसकी एक डोज की कीमत तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया है। और जो आइस है वो आज से 4-5 साल पहले उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब कम है। सप्लाई चेन तो है और उनका नेटवर्क भी है, उस नेटवर्क को तो तोड़ा जा सकता है, एटलीस्ट पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो तकरीबन नेटवर्क जो है ना, उन तमाम की कड़ियां एक जगह ही जाकर मिलती हैं। उनका एक ही मास्टरमाइंड होता है जो बना रहा होता है, और फिर आगे उनका पूरा नेटवर्क चल रहा होता है। तो सर पाकिस्तान को ड्रग फ्री बनाने के लिए फिर किन इकदाम की जरूरत है फौरी तौर पर इस वक्त? सर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये हम मिलके एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएं। अभी नई गवर्नमेंट आई है, जो प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज साहब हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो कोई हमारा जो प्रोग्राम देख रहा है, ड्रग्स के बारे में
आपको हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। आपके पास ट्रीटमेंट सेंटर कोई नहीं है, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर में एक ट्रीटमेंट सेंटर है, लाहौर की 1,20,00,000 की आबादी है, 10,000 सड़कों पर नशेई हैं, 5 से 6 लाख घरों के अंदर ड्रग एडिक्ट्स हैं। और इमीडिएटली लाहौर में मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, लाहौर में 30 से 40 हज़ार लोगों को अर्जेंट इलाज की ज़रूरत है और द होल कंट्री पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 40 लाख अफराद को अर्जेंट इलाज की ज़रूरत है। आप ट्रीटमेंट के लिए काम करें, आप प्रिवेंशन के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसकी एक पॉलिसी बनाएं, उसके बाद फिर ये है कि सप्लाई लाइन को कट करने के लिए जो अदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन है, नेटवर्किंग है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। आप सिर्फ दो अदारों पे बिलीव करते हैं, एक एंटी नारकोटिक्स फोर्स है जो ऑलरेडी काम कर रहा है सबसे ज़्यादा, और पुलिस है, पुलिस की एफआई बहुत ज़्यादा है। आपने एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, फिर इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनके साथ आपने लिंकअप होना है। जब आप इंटरनेशनल स्ट्रेटजी को अपने मुल्क में नहीं लेके आएंगे, प्रिवेंशन के इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, पेरेंट की पेरेंटिंग स्किल पे ट्रेनिंग की जाए, टीचर की टीचिंग स्किल पे ट्रेनिंग की जाए, बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल यानी ज़िंदगी गुजारने की महारतों की तरफ लेके आया जाए, उसके बाद मीडिया के लोगों को ट्रेन किया जाए कि आपने किस तरह स्केरी जो डराने वाली खबरें हैं उसको नहीं हाईलाइट करना है, आपने होप देने वाली, ये वो सारी चीज़ें हैं। अगर हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो मैं समझता हूँ हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पर इकदाम उठाना ज़रूरी है वो बाकी इंपॉर्टेंट है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। और यकीनी तौर पर यह भी एक वजह है कि जो बेरोजगारी होती है माया, उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि जब बेरोजगार लोग होते हैं, उनके पास काम नहीं होता तो जराइम में मुलव्वस होते हैं, नशे के आदि हो जाते हैं, तमाम इसके फैक्टर्स हैं। थैंक यू वेरी मच जुल्फिकार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसपे गुफ्तगू करनी बड़ी जरूरी थी। तो ये तो हुई है, लेकिन आगे प्रोग्राम में भी बहुत कुछ बाकी है, तो प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कह रहे होंगे आज सुबह सवेरे पाकिस्तान से माया जो है वो कहाँ किसी घर में है। ये घर ही है, ये घर लेकिन उन लोगों के लिए है जिनका कोई घर नहीं है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा, जिनका कोई घर वाला तो है या घर वाले तो हैं लेकिन उनका कोई घर नहीं है, घराना नहीं है। और घर किन से होता है? अपनों से। इतना खूबसूरत सा ये कि यहाँ पर दरो दीवार जो मैं देख रही हूँ ये बिनते फातमा फाउंडेशन है। मैं खुद हैरान देखकर कि मैं किसी के घर आई हूँ, लेकिन यूँ कहना गलत नहीं होगा कि ये उन लोगों के लिए एक ऐसा घर है जिनका अपना कोई घर नहीं है। ये वाकई घर है लेकिन उनके लिए शायद किसी औलाद को, उस माँ को अपने पास नहीं रखना था, शायद किसी शोहर को, अपनी बीवी को, उस रौनक को अपने साथ नहीं रखना था, शायद उसका जिसका ना तो कोई बहन है, ना भाई है, ना शोहर है, ना औलाद है, लेकिन फैमिली का कोई या जानने वाला कोई उनको यहाँ पर रखता है। क्या अजब सी जगह है जहाँ पे माँ ही माँ है, बहन ही बहन है, रौनक ही रौनक है। ये भी तो किसी की बेटियाँ थी, ये भी तो किसी की रहमत थी। तो कहा जाता है ना, जहाँ बेटियाँ होती हैं वहाँ रहमतें होती हैं। तो जब वो बेटी माँ बनती है, बड़ी बहन बनती है, वो रहमत कैसे नहीं बनेगी। अफ्तारी की तैयारी चल रही है, आइए आपको मुलाकात करवाते हैं सबसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तैयारियाँ देख रहे हैं आप, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हाँ, जिस तरह रोज़ाना मैं रूटीन में अफ्तारी और सहरी मैं खुद करवाती हूँ, अपने हाथों से मैं बना के इनको मैं खिलाती हूँ, क्योंकि रोज़े रखते हैं ये सब लोग ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं इनको मैं खुद बावजू होके बना के तो इनको मैं खिलाऊं, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान हैं। तो अल्लाह की हजूर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नियत, दिल और प्यार के साथ हर चीज़ बना के मैं इनको दूँ। आप मुझे बताइए मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ ताकि हम आगे लोग सर्व करते हैं। आप? नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ कराऊंगी, आज तो अल्लाह ने मुझे भेज दिया है, तो मैं कोई टाइम भी कम है, मेरे हाल 10 मिनट रह गए हैं, तो जल्दी से इसको चलिए चलिए।
तैयारियाँ चल रही हैं। फ़जाना आप अंदर किचन में, फ़जाना आप की पोती मेरे साथ है हाजरा इस वक्त, और वो मेरी मदद कराएगी सबसे बात करने में, क्योंकि इस वक्त टाइम भी कम है, दुआओं का वक्त है। जितनी बातें होंगी, जितनी दुआ होगी, आप इस वक्त देख रहे हैं, याद रखिएगा आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है इस बिनते फातिमा, मैं कहूँगी मुहिम को, इस अज़म को। तो मैं पहले आपकी कुछ लोगों से मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या इसमें ग्रामी है आपका? नफीसा। नफीसा जी, नफीसा जी कहाँ से हैं? कराची से जी। अरे वाह वाह वाह, तो बिनते फातिमा में कब से हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कौन छोड़ के गया? बस मैं खुद ही आई हूँ। खुद ही आ गई? किसने बताया यहाँ? बस वो मोबाइल पर देख के आ गई। अरे वाह जबरदस्त, आपको तो किसी ने बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो असल में मेरी सास और मेरे शौहर पोत हो गए, तो घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। अल्लो अल्लो, तो किसी ने मुझे बताया तो फिर यहाँ आ गई। अल्लाह, 3 साल से यहाँ पर है जी। कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला बिनते फातिमा में कब से हैं? मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्ते पहले आप कैसे आई यहाँ पर, कैसे पहुँची? असल में मैं और मेरी बेटी थी, हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर रहने की कोई जगह नहीं थी, फिर मैं यहाँ आ गई। आपकी बेटी भी आपके साथ है? यहाँ नहीं है, नहीं है। जी जी। अच्छा, कहीं और है? जी जी। तो आप कोई भी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं कहा? नहीं नहीं। बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं वो, हम जैसी माँओं के साथ बहुत बड़ी नेकी है ये। यकीन माने मैं अंदर आई हूँ तो मुझे लगा नहीं मैं किसी इदारे में आई हूँ। इसकी वजह से, असद भाई की वजह से और अम्मी फरजाना की वजह से हमें दोबारा जिंदगी मिल गई। यकीन करें हम जिंदा हो गए हैं दोबारा। फातिमा में अब मैं एक और खातून के पास हूँ, इनकी क्या कहानी है सुनते हैं। बस मेरी वजह से रो ना देखो मुझे, मैं देख नहीं सकती किसी के आंसू। यहाँ पर कब आई बिनते फातिमा? 1 महीना और 10 दिन। 1 महीना 10 दिन हो गए। कोई छोड़ के गया या खुद ही आई? नहीं नहीं, कोई छोड़, भांजा छोड़ के गए। भांजा छोड़ के गया। यहाँ पर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अम्मी तो ऐसी है कि मेरी अम्मी याद आ जाती, और है ना अम्मी हर चीज़ का ध्यान रखती हैं, सेहरी का, इफ्तारी का, हर चीज़, और आधे दिन भी पूरा दिन हमारा ध्यान रखती रहती है, और हर चीज़ की फिक्र होती है, हर चीज़। और पानी का गिलास भी हम उठ के नहीं पीते, पानी का गिलास भी इन्हें तैयार देती है। इस तरह मैं इन लोगों से मुलाकात कर रही हूँ तो मुझे हर एक इंसान के चेहरे के पीछे एक कहानी नज़र आ रही है। आइए और लोगों से आपकी मुलाकात करवा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरैया है। सुरैया, सुरैया जी आप कब से हैं बिनते फातिमा? 1.5 साल से हूँ। 1.5 साल से। आने की वजह क्या हुई अगर पूछ सकूँ तो? आने जरूर पूछिए, मतलब मेरे वालिद के इंतकाल के बाद सब अलग अलग हो गए, बहन भाई कुछ चले गए अमरीका, कुछ चले गए इंग्लैंड, तो फिर मैं और मेरा भाई रहते थे उस साथ। फिर जब उन्होंने अपना घर बना लिया तो भाभी ने कहा हम अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। भाई ने कहा मैं अब चले, मैंने कहा नहीं मैं अपने अब्बा के घर में मैं यहीं मरूंगी। अल्लाह तो क्यों नहीं गई सुरैया जी? इसलिए कि मुझे अब जाहिर है बचपन सारा यहीं गुजरा अब्बा के साथ। यहाँ पर आए हुए आपको इतना टाइम हो गया? 16 से, इतने
16 साल हो गए होंगे, 2005 में आई थी, 2005 2005 में आप आई थी। मेरी मम्मी की डेथ हो गई, मम्मी की डेथ के लिए बस बीमार थी तो बुलाती थी मुझे वो। यहाँ पर खुद ही आई थी, कोई छोड़ के गया था? खुद ही आई थी आगे, अब्बा के इंतकाल हो चुका था, सब भाई अलग अलग हो गए थे, तो एक भाई साथ था तो अब वो भी ऊपर रहते थे तो फिर मैं अकेले आई थी। यहाँ लाइफ सेट है आपकी? हाँ, यहाँ पे अकेल बैठा ना, यहाँ पे रहना आपको अच्छा लगता है? अभी अलोन नहीं हो ना। बिंते फातिमा शेल्टर होम फाउंडेशन, आपके अतियात ज़कात हर तरह की मदद की मुंतज़र है। यहाँ आने का मकसद इन लोगों के ज़ख्मों को ताज़ा करना नहीं बल्कि दो थे। एक, शायद इनका गम थोड़ा सा कम हो जाता, कहते हैं ना बांटने से गम कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अल्लाह करे इन तमाम लोगों के गम ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे इन लोगों के लिए आसानियाँ हों। लेकिन आसानियाँ एक और तरह से भी, बिंते फातिमा को आपकी मदद की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं ये मेंटेन करना आसान नहीं है, यहाँ पर रहना आसान नहीं है, इन सब की कफालत करना आसान नहीं है। मेडिकल हेल्प अलग होती है, कफालत खाने पीने की अलग होती है, साथ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत खर्चा बहुत लागत आती है। लेकिन जिस खुलूस जिस इज़्ज़त के साथ यहाँ पर माओ बहन बेटियों को रखा जाता है वो आपने देख लिया, आपको अंदाज़ा हो गया। वक्त ज़ाया ना कीजिए, रमज़ान के चंद ही दिन रह गए हैं, इन दिनों में अपने लिए आसानियाँ और अपने लिए सवाब के रास्ते जो अल्लाह पाक ने बाबरकत महीने में आसमान से नाजिल फरमा रहा है आप वो समेट लीजिए। बिंते फातिमा को आपकी ज़रूरत है। यहाँ पर बतूल जी मेरे साथ बैठी हुई हैं और सुना है नात भी पढ़ती हैं, तो क्यों ना इनसे नात पढ़ते हुए जाएँ। करम मांगती हूँ अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, जो मुफलिस उनको दौलत अता कर, जो बीमार उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शफा मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ। जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता कर, और हम इस पे आमीन कहेंगे। यहाँ पर जितनी एक घर के अंदर इतनी माए हो माया, वहाँ पर कितनी रहमत होगी। कुछ मैं स्टोरीज थी, काफी स्टोरीज थी जिनके मैं वो देख रहा था कि वहाँ पर माशाल्लाह वो खुश रह रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनको वहाँ रखा जा रहा है, बड़े सलीके से रखा जा रहा है, और हर वहाँ पर माँ की एक कहानी एक स्टोरी है। एक वहाँ पर मौजूद थी जो कि एक बहुत बड़े स्कूल में वो एडमिनिस्ट्रेशन में थी, उनको जो है उनकी बहन जो है उनको दरवाजे पर छोड़कर चली गई, और फिर वो उन्होंने सिर्फ शायद कुछ बहुत अरसे गुजर गया, उस वक्त एक ही दफ़ा शायद मिली। फिर मुझे असद ने बताया ये लोग पूरा ग्रुप जो है पूरा बिंते फातिमा उमरा पर लेकर गए थे, तो उनका एक का बेटा है जिनकी अभी सुरैया जी से बात हो रही थी, उनके बेटा उनको उमरे के बाद आकर उनको मिल नहीं पाए हैं, वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि सिर्फ एक दफ़ा उमरे से आए हैं, कहते हैं ना मिलना चाहिए, जाकर मुलाकात करनी चाहिए। कितनी यहाँ पर हैं ख़वातीन? कम से कम भी इस वक्त जो मैंने देखा कल मौजूद थी तकरीबन 18-20 ख़वातीन मौजूद थी, कुछ ज़ईफ थी जो अंदर, और एक उनके साथ बैठकर उनको कुरान सुना रही थी। मैंने ऐसा घर का माहौल देखा। मैं प्लीज़ एक बार फिर बिंते फातिमा फाउंडेशन के लिए आप लोगों से अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने अतियात ज़कात आप दुनिया में जहाँ भी हों आप प्लीज़, आपने 92 पर आज देखा उनको किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, और ख़वातीन की शाहरुख भाई पूछ रहे हैं ख़वातीन की क्या कहानी है। मुझे जो सबसे ज़्यादा फील हुआ, अब यकीन माने अगर आपके घर में अपने आपके साथ रह रहे हैं, आपके बड़ों ने आपको रखा हुआ है, आपके शौहर आपके साथ अच्छे हैं, आपकी औलाद आपके साथ नेक है, तो यकीन मानिए बहुत बहुत खुशनसीब हैं आप कि आप ठंडे में हैं। क्योंकि मैं भी शाहजेब से यही कह रही थी कि अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी की ये तपती धूप है ना इस तपिश से बचाया हुआ है, कि अगर उनके अपने होते ना
तो उनको वो कभी इस तरह नहीं अकेला छोड़ते। ये आसान नहीं है जो मिनते फातिमा जो है फजाना आपा उनके बेटे असद ये काम कर रहे हैं, आसान नहीं है, लेकिन वो भी आसान नहीं है जो अपने घर से वो दूर, लोग तड़प रहे हैं शाहजेब अपने घरों में जाने को, वो कह रहे हैं एक बार घर चले जाए तो उस घर में उनका इज्जत करने वाला कोई नहीं, रखने वाला कोई नहीं, उनकी कदर करने वाला कोई नहीं, फिर भी वो तड़प रही है उस घर में जाने। वहाँ पे किसी एक माँ की कहानी अगर माया आप हमसे शेयर करना चाहें। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी जो मैंने सिर्फ इतनी एक जिनकी माँ का मैंने देखा, उनकी सगी औलाद के पास उनसे मिलने का वक्त नहीं है। माँ से बड़ा दर्जा किसी का नहीं होता, माँ से बड़ा रिश्ता किसी का नहीं होता। आप अपनी माँओं की कदर करें, और अगर आप अभी नहीं आपने देखा ना, अभी ये देखकर अगर आपको अपनी माँ की कदर आ जाए ना, तो मैं समझती हूँ हमारा काम जो है ना वो हो गया और हम कामयाब हो गए। शाहजेब को और माया को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, और आज PTI का जलसा, लेट्स सी व्हाट टाइम विल ब्रिंग अस एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।